सर्वे करने घर घर के हम यहाँ मीडिया को दे देंगे, घर घर में क्या हो रहा है, किस किस्म की परेशानियां लोगों के हैं, किन परेशानियों में मुब्तला हैं लोग, बड़े धर्म भरम हो चुके हैं लोग, काफी परेशान हैं, कोई सुविधा नहीं है, अगर बीमार हो जाएगा कोई तो उसके लिए गाड़ी की कोई सुविधा नहीं है, रोड ही नहीं है, पिछले चार दिन से रोड बंद है, जैसे समझो कि यहाँ की पंचायत की जानवरों से भरी पंचायत, यहाँ इंसान रहते ही नहीं है, एडमिशन वहाँ 200 लोग जमा हो गए, बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि कल की डेट में हम ये एक अमला लेके जाएंगे, एक जुलूस निकालेंगे, तो हमें लगता है कि हमें छात्रों तक, किश्तवाड़ तक जाना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन को इस किस्म की इतला देनी पड़ेगी, ताकि जब बर्फ पड़ती है, अगर सरकार ये फरमान करती है कि हमने जी मशीनें लगाई हुई है लोगों की सुविधा के लिए, लोगों की परेशानियां खत्म करने के लिए, तो आज इतने मजबूर हम हैं, इतने पसमंदा इलाके में रहते हैं, रोड भी यहां तक है, लेकिन प्रशासन की तरफ से किसी किस्म का भी कोई भी ध्यान नहीं दे रहा हम लोगों की तरफ, कि यहां से 900 लोग रहते हैं, यहां पे 900 चूल्हे हैं यहां पे, तो हिंदुस्तान के अंदर हम रहते हैं, हिंदुस्तान के अंदर रहते हैं, तो हिंदुस्तान के आईन के अंदर हम रहते हैं, तो उसके हिसाब से यहाँ की कानून भी लागू होनी चाहिए। अगर सरकार की तरफ से ये सुविधाएं लोगों के लिए दी गई हैं, तो हम तक क्यों नहीं पहुंच रही है, हम काफी परेशान। अभी एक घर में एक समस्या खड़ी हुई है, शाम की 5 बजे से उसको डिलीवरी की दर्द हो रही है, तो हमारे पास सुविधा ही नहीं है, तो कैसे हम उसको ले जाएंगे, अगर कल की डेट में उसका कोई नुकसान हुआ तो उसकी जिम्मेवार तो फिर प्रशासन हो, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ का वो कॉन्ट्रेक्टर है जिसने कॉन्ट्रेक्ट लिया है रोड खुला रखने का। शुक्रिया जी, बहुत अच्छा कहा, और जो सदाकत जो है, असल बात जो है, सब बातें इन्होंने बताई, हम इसके साथ हैं जो इन्होंने बताया।